नमस्कार जय हिंद। देखिए, अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा होने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल अर्थात सुनील भट्ट को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो उस समय केबिन क्रू आपको निर्देश देती है तो अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लीजिए या तो अपने मोबाइल को आप फ्लाइट मोड करके रखिए। फ्लाइट मोड बेसिकली होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यही निर्देश दिया है, बेसिकली कानून में भी यही है। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो या तो आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या तो स्विच ऑफ करके रखना है या तो उसको फ्लाइट मोड में करके रखना है। आपका मोबाइल बेसिकली दो तरह से बात करता है, एक वायरलाइन के थ्रू, एक वायरलेस के थ्रू। वायरलाइन जो होता है आपका मोबाइल डेटा होता है, यूएसबी जो डेटा केबल होता है, उसी माध्यम के थ्रू आप किसी भी डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो गया चाहे वो मोबाइल हो गया, उसमें डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर वायरलेस नेटवर्क का बात करें तो आपके मोबाइल में तीन तरह से वायरलेस नेटवर्क होता है। पहला ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ किसी भी नियर बाई डिवाइस से पेयर करके आप उसमें डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वाईफाई जो होता है, वाईफाई के थ्रू जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसके थ्रू आप अपने मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और किसी को भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वहीं पे जो सेलुलर नेटवर्क होता है वो भी एक वायरलेस नेटवर्क ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है। ऐसी सर्विसेज जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारी कंपनियां जो है सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। ऐसे में सेलुलर नेटवर्क के थ्रू आप किसी को भी वॉइस कॉल कर सकते हैं, किसी को भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं या कि अपना फेसबुक व्हाट्सएप सारा चला सकते हैं, अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं सेलुलर नेटवर्क के थ्रू। तो उसमें जो आपका एयरप्लेन अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका जो वायरलेस कनेक्टिविटी है, जो ब्लूटूथ है, वाईफाई हो और क्या नाम है सेलुलर नेटवर्क है, ये सारे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो आपका मोबाइल होता है नियर बाई डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है वायरलेस के थ्रू और कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं कर पाता है, रेडिएट नहीं कर पाता है। बेसिकली जब आप एयरप्लेन में बैठते हैं तो आपका जो एयरप्लेन होता है कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करता है। कंट्रोल रूम कहाँ पे होता है, आपका जो एयरपोर्ट पे देखते होंगे बहुत बड़ा क्या नाम है टावर बना होता है, वो सारा कंट्रोल रूम होता है। उसमें बहुत सारे रडार्स होते हैं जो आपके एयरप्लेन को कंट्रोल करते हैं। पूरा एयरप्लेन जो आपका हवाई जहाज होता है वहीं से कंट्रोल होता है। जब आपका एयरप्लेन लैंड करता है, जब आपका एयरप्लेन टेक ऑफ करता है मतलब उड़ता है, तो उसका सीधा कम्युनिकेशन उस कंट्रोल रूम से होता है और कंट्रोल रूम के जो रडार्स होते हैं वही उस एयरप्लेन को डायरेक्शन देते हैं, ये कह लीजिए कि उसको सड़क बताते हैं कि यहां से आपको इस डायरेक्शन में चलना है। जैसे मान लीजिए आपका एयरप्लेन, आपको जाना कहां है, दिल्ली से मुंबई तक आपको जाना है, तो जो रडार्स होते हैं वही सड़क बताते हैं आपको, क्या नाम है जो पायलट होता है उसी को डायरेक्शन बताते हैं आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तभी जाकर के मुंबई में आपकी सेफ लैंडिंग हो पाती है। अगर किसी कारणवश, किसी इंटरफेरेंस के कारणवश या कोई क्या नाम है अलग से रेडिएशन आकर के क्या नाम है रडार के सिग्नल को डिस्टर्ब करता है और अगर उसकी कनेक्टिविटी हट जाती है तो आप ये कह लीजिए कि क्या नाम है जो एयरप्लेन की जो स्पीड होती है ना, ये 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होती है, मतलब एक सेकंड में आपकी जो एयरप्लेन 10 किलोमीटर जाता है। अगर मान लीजिए 10 सेकंड के लिए भी वो डिस्कनेक्ट हो गया, रडार का कम्युनिकेशन क्या नाम है आपके एयरप्लेन से डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं कम्युनिकेशन हो पाता है, तो उस केस में आपका 100 किलोमीटर प्लेन किस डायरेक्शन में जाएगा ये पायलट को भी पता नहीं रहता है, क्योंकि जो प्लेन उड़ता है ना हवा में उड़ता है, हवा में कोई डायरेक्शन, कोई सड़क दिखाई नहीं देता है जैसे रोड पे दिखाई देता है। तो उस केस में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत सारे न्यूज भी आपने देखा होगा कि जो आपका प्लेन है वो गायब हो जाता है, कहीं पे भी जा करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या जो पैसेंजर है उनकी जान चली जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर उपकरण आपके पास है तो उसको आप हमेशा या तो स्विच ऑफ कर दें या तो उसको क्या नाम है आप फ्लाइट मोड में करके रखें। अगर आप भी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो ये क्या नाम है वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसका पालन करें और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको फ्लाइट मोड में हमेशा करके रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।